IGIMS में नर्सिंग की छात्रा खुशबू कुमारी की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर पारामेडिकल छात्रों में IGIMS प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा है। इस मामले में छात्रों को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में आज बड़ी संख्या में पारामेडिकल छात्रों समेत वामपंथी दल CPI की महिला इकाई अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति APVA और ASFI ने संयुक्त रूप से गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाला। कारगिल चौक पर खुशबू कुमारी के लिए श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। कैंडल मार्च के दौरान पारामेडिकल के छात्र छात्रों में सरकार और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा नजर आया। छात्रों ने इस दौरान IGIMS पारामेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल अनुजा डेनियल की गिरफ्तारी के साथ खुशबू की आत्महत्या को हत्या करार देते हुए इसकी जाँच CBI से कराने की मांग की। कैंडल मार्च में शामिल खुशबू कुमारी के पति मीशू राज ने सीधे तौर पर कहा कि उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर उसे मार डाला गया है। मीशू ने कहा कि इस मामले में CBI जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि सारे टीचर प्रिंसिपल CBI जांच हो, जो भी सारे को करवा दें, सभी को अरेस्ट हो। मार्च में शामिल एडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी देवी ने कहा कि बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में लगातार छात्रों के साथ यौन और मानसिक शोषण हो रहा है और सरकार इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि IGIMS की नर्सिंग की छात्रा खुशबू कुमारी को प्रिंसिपल द्वारा इतना मानसिक शोषण किया गया कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। आज जो IGIMS के अंतर्गत BSc नर्सिंग का कॉलेज है, वहाँ जो करीब 200 से अधिक की संख्या में छात्राएं पढ़ रही है, वहाँ के प्रशासन के द्वारा, खास करके प्राचार्या के द्वारा खुशबू कुमारी के ऊपर इतना टॉर्चर किया गया, इतना उसके ऊपर यौन और मानसिक शोषण किया गया, जो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। और न सिर्फ अभी से बल्कि पिछले कई वर्षों से, और कई लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं, उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उसका इलाज नहीं हुआ। आज हम समझते हैं कि वहां के प्रशासन आज छुट्टा घूम रहा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सभी की मिली भगत है। हम इस कैंडल मार्च के माध्यम से मांग करते हैं कि जितने अभियुक्त है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, स्वास्थ्य मंत्री अपना इस्तीफा दे। और मार्च में शामिल IGIMS पारामेडिकल संघ के भारत भूषण ने कहा कि इस मामले में पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रिंसिपल अनुजा दयाल की गिरफ्तारी और मामले की CBI जांच 48 घंटे के अंदर शुरू नहीं हुई तो सभी मेडिकल कॉलेजों को बंद कराया जाएगा। पटना से बिफोर प्रिंट के लिए नयाज आलम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।